जोगिंदरनगर की ग्राम पंचायत मसौली का पुराना भवन जर्जर हालत में होने के चलते भी इसे नहीं गिराया जा रहा है। यदि इस भवन को यहां गिराया जाता है तो पंचायत में यहां पर पंचवटी वाटिका व व्यू पॉइंट बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए 12 लाख रुपए भी आ गए हैं। जोगिंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत मसौली का पुराना भवन पिछले कुछ वर्षों से जर्जर अवस्था में है, जिसे गिराने के लिए ग्राम पंचायत मसौली द्वारा बार बार प्रस्ताव डालने के बावजूद भी इस भवन को गिराने की अनुमति बीडीओ पधर द्वारा नहीं दी जा रही है। अगर समय रहते इस जर्जर भवन को गिराने की अनुमति दे दी जाए तो ग्राम पंचायत में यहाँ पर पंचवटी वाटिका और व्यू पॉइंट बनाने के लिए जो 12 लाख रुपये आए हैं, उनका सही तरीके से उपयोग हो सकता है। पुराने भवन के हालात ऐसे हैं कि इसमें कई जगह पीपल व अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उग गए हैं। हालांकि विभाग के जेई इस भवन की जर्जर अवस्था को देख चुके हैं, लेकिन फिर भी भवन को गिराने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ग्राम पंचायत प्रधान मीनाक्षी देवी ने बताया कि पंचायत द्वारा 2 बार प्रस्ताव पारित कर बीडीओ पधर को भेजा गया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा इस भवन को गिराने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बीडीओ पधर से मांग की कि इस भवन को गिराने की अनुमति पंचायत को प्रदान की जाए, ताकि यहां पर पंचवटी वाटिका और व्यू पॉइंट का निर्माण किया जा सके। पुराना पंचायत घर का जो कि जर्जर पड़ा हुआ है, इसका प्रस्ताव हमने पहले वीडियो ऑफिस में भी दिया था, उसका मौका करने के लिए आए थे जय साहब जी, वो भी देख के गए हैं, पर उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। और फिर से हमने प्रस्ताव डाला हुआ मीटिंग का, फिर सेक्रेटरी से हमने भेजा है, तो वीडियो साहब से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इसको करवाने की डिसमेंटल करवाने का प्रस्ताव दें। इसको हमने पिछले साल दिया था 2018 में, इसका प्रस्ताव पहले भी दिया था हमने ग्राम सभा का, और अभी भी दिया है हमने मीटिंग का अगस्त में। सिटी चैनल के लिए जोगिंदर नगर से सुभाष एरी की रिपोर्ट।